नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके नाम से कोई फर्जी सिम आपकी सिम कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो अपन कैसे उसकी जानकारी लेवें, अपन कैसे उस सिम को बंद करवा सकते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल में अगर दो सिम हैं, वो दोनों अगर अपन चला रहे हैं, इसके अलावा भी अगर अपने नाम से कोई दूसरी सिम मार्केट में चल रही हो तो उसका हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे नाम से कोई सिम चल रही है और किस तरीके से उसको बंद करवाना है, पूरी प्रोसेसिंग इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के पास फेक कॉल आते हैं और वो नंबर भी अपन को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो जो नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सिम के तो नंबर नहीं है। अपन पता करेंगे आज कि वो नंबर अपनी सिम के तो नहीं है, कहीं ना कहीं जो जिस सिम से स्कैम हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, वो सिम अपने नाम तो नहीं है, कोई अपने नाम से किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, स्कैम तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा, किसी को गालियां तो नहीं दे रहा। तो आज के इस वीडियो के बाद में हमारी नाम से सिम कहीं भी ऑन नहीं रहेगी, जो चाहेंगे हम वही सिम हमारी ऑन रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है, देख लीजिए। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है TAFCOP, आपको इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही ऊपर इसके ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी, आप ध्यान रखिएगा सबसे जो ऊपर है ऑफिशियल वेबसाइट टेप कोप लिखा हुआ, इसी पे क्लिक करना आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, ये ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आप इसमें लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और देख लीजिए टेप कोप की वेबसाइट खुल चुकी है। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक रेड कलर में, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। आज तक इस ऐप को, इस विभाग को, मतलब इस वेबसाइट पे इतनी रिक्वेस्टें डाली गई है, और जिनमें से ये जो नीचे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा आपको, ये रिक्वेस्ट है जो रिसोल्वड हो चुकी है, मतलब इनका निस्तारण अब तक हो चुका है। तो अगर हमारे पास भी जो मोबाइल नंबर है उस पर अपन चेक करना चाहेंगे कि अपने नाम से कितने सिम यूज हो रही है, तो सबसे सिंपल है नीचे जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। तो मैं मेरे मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर इंटर करना है आपको जो नंबर आपके आधार कार्ड से ऐड है, जो नंबर आपके आधार कार्ड से ऐड है वो नंबर आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। तो मैं मेरे नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको एंटर कर देना है। ये मैंने कैप्चा जैसे ही इंटर करके ओके दबाया है, तो इस तरीके से हमारे अब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपन ने ऊपर लगाए थे उसके ऊपर एक ओटीपी आया है। ये देख लीजिए ओटीपी आ गया है, यहाँ पे लगा देना है ओटीपी, लॉगिन कर देना है। आपको जैसे ही ओटीपी लगेंगे आपको लॉगिन कर देना है। आपके सामने जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरे नाम अभी दो ही सिम है ओनली, ये देख लीजिएगा। अभी मेरे जो नाम है मेरे आधार कार्ड से जनरेट दो ही सिम, ओनली दो ही सिम है, जिस दोनों सिमों का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। अब आपको यहाँ से प्रोसेसिंग करना है। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है नंबर, आगे पीछे के डिजिट नंबर दिए हुए हैं तो आपको चेक कर लेना है कि ये सिम अपन यूज़ में ले रहे हैं या अपने फैमिली वाले यूज़ में ले रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिम दिखाई दे रही है जो आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं, फिलहाल आपके पास वो नहीं है ना आपके पास में यूज़ में आ रही है, तो उस सिम को आप यहाँ से बंद करवा सकते हैं। वो कैसे देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, यहाँ पे इन सिम के आगे जो नंबर है इनके आगे डिटेल्स दी गई है, तीन खोने दिए गए हैं। पहले में लिखा नोट माई नंबर, मतलब ये नंबर मेरे है ही नहीं, मतलब इसका तरीका साफ है कि ये नंबर मेरे नहीं है। तीन कलर ऊपर दिए हुए हैं, देख लीजिए, नोट माई नंबर, नोट रिक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड। तीनों में से अगर आपके नंबर नहीं है, कोई दूसरा यूज़ कर रहा है मतलब, तो शुरू वाले इस पर आपको क्लिक करना है।
सबसे पहले सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर देना है इसको, फिर अगर आपके नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप अभी पहले आपके पास कोई सिम थी, अभी आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, आपको उसके रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे कर देना है। और रिक्वायर्ड है मतलब चल रही है, तो यहाँ पे करना आपको, नहीं करें तो भी चल जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो एक नंबर वाला अपने लिए, अगर ये देख लीजिए आप बार बार, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए बार बार आपको कैंसिल का ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको शुरू में जो यह है नोट माई ओन नंबर, ये देख लीजिए, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको किसी भी सिम को बंद करवाना है, आप इसके ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट, ये जो नीचे रिपोर्ट दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपके ऑफिशियल जो नंबर है आपने शुरू में डायल किए थे उसके ऊपर आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा, और आपको एक चांस भी दिया जाएगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको करेक्ट, आपको करेक्ट जानकारी ही, आपको अब एक लास्ट मौका दिया जाएगा, उसके बाद में आपकी सिम डायरेक्ट बंद ही की जाएगी। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद में आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, उसमें आपकी कंप्लेन नंबर आ जाएंगे और वहाँ से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी वो जो सिम है जो आप यूज़ में नहीं ले रहे हो, कोई दूसरा बंदा यूज में ले रहा है, तो वो वास्तव में बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये अभी जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और आप वास्तव में सभी भाई लोग इसको ज़रूर चेक करिएगा, अपने आधार कार्ड से जो नंबर है उससे ज़रूर 100% चेक करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम से सिमें चल रही है और वो गलत यूज़ ले सकते हैं भाई। तो आप सावधान रहें, आप इस तरीके से एक बार आपके नंबर डालकर ज़रूर 100% चेक कर लीजिएगा, आप खुद के भी चेक कर लीजिएगा, अपने फैमिली जो है, माताजी है, पिताजी, उनके नाम भी, अगर आपने किसी के नाम सिम ले रखी है तो उनका भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके नाम नहीं हो, उनके नाम कोई सिम चल रही हो। तो हमें सारे जो जितने भी नंबर हैं अपने, उसको चेक कर लेना एक बार, उसके बाद में अगर कहीं ऐसी कोई सिम यूज हो रही है तो उसको बंद करवा देना इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी जो सिम है वो हम ही चलाएं, ना कि कोई दूसरा गलत यूज़ में ले सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जब हम हर बंदे तक पहुंचाएंगे ना, तब ये जो फेक कॉल आते हैं, सिम जो सिम नंबर अपन को सही दिखते हैं वो अपने नाम से कोई गलत कर देता है ना, वो 100% बंद हो जाएगा। एक यूजफुल जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।